और यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा एक तरीके का स्कैम समझ लो हो रहा है। तो अभी चल रहे हैं, आज जो है लेट हो गए, हम लोग सो रहे थे, आज नहाए भी नहीं है, आज कोई तो आइलैंड पे जाना है। ये देखिए अपना होटल। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है सुबह 6-7 बजे से लेके 10 बजे तक, और हम लोगों ने पूरा टाइम मिस कर दिया। चलिए कोई नहीं, ये देखिए अपनी बस है यहाँ पे, होटल की ही पार्किंग थोड़ी दूर पे है ये बस है। आवाज़ का थीम ये है कि ऐसे शॉर्ट पहन के जाना है, टी शर्ट वगैरह देखो ड्राइवर भी वैसे पहन के आए, सब लोग ज़्यादातर वैसे पहने। और भाई लोगों कैसा हालचाल है? बढ़िया बढ़िया। आप थाईलैंड में चल रहे हो? थाईलैंड में चल रहे हो? असली मजे यही ले रहे। तो अभी जो है यहाँ से आइलैंड के लिए चलेंगे, ये है अपनी टीम। ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो हो गई हैं। फॉर्मेलिटी ये है कि आइलैंड है यहाँ से थोड़ी दूर पे, तो बोट लेके साइड से चलेंगे, तो सब लोग को जो है इस तरीके का एक बैंड लगा दिया गया है और एक एक सबकी फ़ोटो खींच ली गई। देखिए पीछे पटाया सिटी का बढ़िया सा वो लगा हुआ है, तो क्या वो ये देखिए यहाँ पे। भाई बहुत अच्छा धूप में व्यू आ रहा है, मतलब क्या क्लियर, मतलब नीला नीला पानी आसमान मस्त है भाई। तो अगर आप यहाँ आते हो थाईलैंड में घूमने, पटाया या बैंकॉक कहीं भी, तो ये कोरल आइलैंड भी ट्राई कर सकते हो। गूगल मैप पे आप सर्च करिएगा, वो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कोरल आइलैंड में क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे वाटर एक्टिविटी बहुत सारी होंगी। ये है लिख रहे हैं कुछ नंबर वगैरह ताकि मिसिंग ना हो। तो ये बैग दे देते हैं, कीप माय बैग, टू हेवी। ये हमारी टूर गाइड वेरी क्यूट। अभी आपको थोड़ा सा अपडेट देते हैं, यहाँ पे जो है ये बोट है, ये बोट एक तरीके का मतलब स्थान है, यहाँ से हम लोग छोटी बोट से इस बोट पे आ गए थे, यहाँ से हम लोग वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे उड़ते हुए जा रहे हैं, ये बैलून जो दिख रहा है ऊपर ना, मैं दिखाता हूँ दूसरे कैमरे से, ये देखिए ये इसमें ऊपर आपको टांग देंगे इसे और इस बोट से खींचेंगे, तो ये एक्टिविटी 800 रुपये की है इस तरीके की, और पानी के अंदर ले जाते हैं वो वाली। और जो मोटरसाइकिल जैसी जेट स्की होती है उसने का, और एक तो बनाना राइड, ये सारी राइडें कराने का जो है, अगर टोटल एक साल लेते हो तो 2500 बात है, अगर एक एक करके लेते हो तो कोई 1000, किसी का 800 ऐसे ऐसे करके, तो वैसे महंगा पड़ेगा। तो हमने जो है पूरा सारे जो है करा लिए हैं, ये ऐसा मार्किंग वगैरह लिख देते हैं। अभी हमने जो है ये देखिए सेफ्टी से बांध बांध दिया है, ये देखिए इधर दिखाइए थोड़ा सा, तो ये वाली जो है हम राइड करने के लिए जा रहे हैं, इसमें क्या है आगे बोर्ड से वो खींचते रहते हैं तो हम ऊपर उड़ेंगे तो मज़ा आएगा, हालांकि ऊपर वीडियो जो है नहीं बनाने का मिलेगा, लेकिन भाई जो है बना लेंगे नीचे से ही, तो आप देखिएगा इंजॉय करिएगा। यहाँ पर आते हो तो ये वाला जो राइड ज़रूर लीजिएगा, ठीक है? भाई मज़ा आ गया ऊपर। तो अभी
ये जो आप पीछे देख रहे हो पैरासीलिंग, ये जो कर रहे हैं ना ये पैरासीलिंग अभी मैं करके आऊँ, मतलब अच्छा है, ऊपर जाओगे तो एकदम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बेल्ट वगैरह लगा देते हैं, लाइफ जैकेट भी पहना दे, इनकेस अगर बोट बंद हो गई पानी में भी गिरे तो सेफ ही रहोगे, डूबोगे नहीं, अगर तैरना नहीं भी आता है तो अगर आप आते हो तो कर सकते हो। 1600-1700 इंडियन रुपये में होता है। अभी आ गए हैं दूसरी बोट पे, ये देखिए पीछे है बड़ी वाली, यहाँ पे वो अंडर वाटर एक्टिविटी करवाएंगे, तो देखते हैं। ये देखिए, तो अभी भाई जो है हम दूसरी बोट पे आ गए हैं, यहाँ पे अभी पानी के अंदर घुस जाना है, मछलियों के साथ बढ़िया वॉक करवाएंगे, हेलमेट वगैरह लगा देंगे तो उसमें ऑक्सीजन रहेगी तो पानी के अंदर भी देख सकते हो बढ़िया ट्रांसपेरेंट, तो उसका भी वीडियो मुझे मिलेगा, कह रहे हैं गोप्रो से बना के उस पर गूगल ड्राइव पे डाल देंगे तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए हेलमेट ऐसे पहना देते हैं, पानी के अंदर जाके बढ़िया मछली अछली अंदर रहती हैं, मछलियाँ यहाँ पे रुकी हुई है, वही तैर रही है, छोटी है बड़ी हर तरीके की, तो उनके साथ बढ़िया मस्त। ये देखिए आ गए, ये है कोरल बीच और यहाँ भी टावर लगा हुआ है। चलिए ले स्लो भाई, मजा खूब आ रहा है, बिल्कुल बहुत मजा कर रहे हैं। यस यस, तो अभी आ गए हैं कोरल आइलैंड, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन और क्या बोलते हैं यूरोप के लोग आए हुए हैं, बाकी थाईलैंड के भी लोग हैं यहाँ पे। और भाई एक चीज़ है, यहाँ पे जितनी भी टूरिस्ट वाली जगह तो वहाँ भीड़ बहुत होती है, तो आप शांति से ना तो फोटो खींच पाओगे ना वीडियो बना पाओगे, और कोई नहीं। तो भाई खूब मजे हो रहे हैं, मजे आ रहे हैं बिल्कुल। ये बरेली के साथ आप जानते हो ये भी लोग सोलर का काम करते हैं, जो लोग सोलर से जुड़े होंगे वो इसी बात हो जानते हैं। अभी भाई आ गए हैं, हाँ। सारी राइडें वाइडें करके बढ़िया बढ़िया मजा ले रहे हैं, चिल हो रहे हैं, मजे लिए जा रहे हैं। कोरल बील है, कोरल बील है, बील नहीं है, कोरल है, ओरल ओरल नहीं, कोरल भाई अरे भाई आया, वाह बोलो सब लोग बोलो 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 तो भाई बहुत इंजॉय किया कोरल बीच पे, और अभी कपड़े थोड़े बदल लिए हैं क्योंकि वो सब भीग गए थे अंदर, बढ़िया पानी में नहा वहा के आए। मोबाइल हमारा वाटर प्रूफ है, आईफोन है, तो कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं होता है। और ये देखिए यहाँ पे सीट वगैरह है, इनको भी आप रेंट पे ले सकते हो अगर आप आते हो। अभी हमारी बोट चल रही, सब टीम के लोग रेडी हो गए, तो जल्दी चलते हैं, अभी फिर लंच करेंगे करीब 3 बजे के आसपास। यहाँ से आधा घंटा लगेगा पटाया दोबारा जाने के लिए, पटाया की जो जमीन है उससे ये वाला जो ये आइलैंड है ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, पानी के थ्रू ही रास्ता है, मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं है, ये भी अपनी टीम से कोई ऐसा रास्ता नहीं कैसे आ सकते यार। चलिए बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा साफ है क्योंकि यहाँ पे कम लोग आते हैं। तो ये देखिए लूम सोलर कंपनी की तरफ से ट्रिप है, तो अभी हम लोग आ गए हैं होटल में, और यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा एक तरीके का स्कैम समझ लो हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आता बताता हूँ क्या है पूरा। तो जैसे हम लोग होटल में आए तो यहाँ पे हमें जो है ये इस तरीके का ये मिला पेपर, इस पे ये लिखा है मिसलिनियस नेम मिस्टर पिलोकेस
₹100 का मतलब फाइन लगाया है। और दिक्कत क्या बताया है कि ये देखिए फोटो भी इसने खींच के लगा दिया प्रिंट करके कि जो है पिलो गंदा करके दिए, ये देखिए ये वाला। और जो जो कि हम लोग जब गए थे तो बिल्कुल फ्रेश था, आई लेफ्ट क्लीन पिलो, आई जस्ट केम इन होटल, आई स्टिल हैव ना, यू गाइस इज ट्राइंग टू स्कैम मी ना, आई एम मेकिंग वीडियो, आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब, जस्ट कमिंग, डोंट डू दिस ना विद मन मी में पक्का आएंगे हम को डोंट ले। ये देखिए भाई, ये लोग होटल वाले देखिए किस तरीके से स्कैम कर सकते हैं, इस तरीके तो बड़े बड़े स्कैम हो सकते हैं ना, तो 100 बात खाई भाई, बोलेंगे टीवी तोड़ दिया। तो भाई अगर कभी आप बाहर आते हो ठीक है, अनजान होटल में चेक इन करते हो, तो सबसे पहले एक काम करिए, पूरा वीडियो बनाइए आने का, ठीक है, मोबाइल तो सबके पास होते हैं ना, सही बता रहे ना मिश्रा जी, पूरा वीडियो बना लीजिए, कहीं टीवी टूटा तो नहीं, कुछ भी नहीं पता लगा, जितने का आपका ट्रिप है उससे ज्यादा लगा दिए फाइन। और वो जो होटल में क्या होता है वो तकिया का खोल गंदा होके वो लोग चार जो लगा रहे थे, वो हमने वीडियो दिखाया कि भैया ऐसा कुछ नहीं, हम लोग अच्छा सौंड के गए थे, स्कैम करने की कोशिश शायद कर रहे होंगे, माइट भी हो सकता है, हम लोगों ने होटल में जब चेक इन किया था तभी देखा ना, वो दूसरी तरफ को रखा होता कि हमें लगा कि अच्छा है, बाद में लोग पलट के देखें, तो ये भी हो सकता है, पर कोई चार्ज लिया नहीं था तो गुड। तो इस वीडियो को ही पेंट करते हैं, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और भाई यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, वीडियो जो इतने कुछ अच्छे बन नहीं पाते, थोड़ा बहुत थोड़े थोड़े स्कैम भी होते हैं, तो बहुत ही बच के रहिए ठीक है, और सावधान रहिए, सतर्क रहिए।